नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली, साइकोलॉजिस्ट। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। भारत में एक बहुत बड़ा क्रेज है सरकारी नौकरी की तैयारी करना। इसके नाम पे लाखों की संख्या में इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं। अक्सर आपने देखा और सुना होगा, या शायद आप खुद भी कर रहे होंगे, कि आप 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपका कोई पेपर नहीं निकल रहा, या फिर कोई एक पेपर निकलता है दूसरा नहीं निकल पाता। आप कहेंगे कि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, आरक्षण आ गया है, हमारा कट ऑफ मार्क ज़्यादा जाता है। सारी चीज़ों को आप जान रहे हो, समझ रहे हो, फिर सही फैसला क्यों नहीं कर रहे? क्यों आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने जीवन का 10 साल बर्बाद कर रहे हो? इन 10 सालों में अगर आपने कोई बिजनेस किया होता, ढंग से किया होता, तो शायद आप एक ऊंचाई पर होते। लेकिन ह्यूमन बीइंग में इनसिक्योरिटी की एक फीलिंग होती है, स्पेशली लड़कों में ये बहुत ज़्यादा होता है। वो किसी भी हाल में हर चीज़ अपनी लाइफ में सिक्योर चाहते हैं, और सिक्योरिटी की यही डिमांड उन्हें करियर के मामले में भी सरकारी जॉब की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि सरकारी नौकरी में एक सुरक्षा की गारंटी होती है कि आपको इतने पैसे फिक्स मिल जाएंगे, बुढ़ापे में आपको पेंशन मिल जाएगा, जैसी तमाम बातें होती हैं। जबकि प्राइवेट जॉब में कब क्या होगा आप नहीं कह सकते। आज आपका अच्छा चल रहा, कल आपका खराब हो जाएगा, और लोग इनसिक्योरिटी में जीना नहीं चाहते। ये भी सही है, आखिर गवर्नमेंट को भी तो लोगों की ज़रूरत है। 4 से 5 साल की तैयारी आपको ये बताने के लिए काफ़ी होती है कि आप ये जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहते हैं? अगर लगातार 3 साल तैयारी करने के बाद भी आपका कोई जॉब नहीं निकल रहा, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि या तो आपका तरीका गलत है, या फिर आपकी क्षमता उस चीज़ को करने की नहीं है। आपके अंदर किसी और काम को करने की क्षमता है, और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं और आप फेल हो रहे हैं, और ये फेल धीरे धीरे आपको फ्रस्ट्रेटेड करता जाता है और आपका रिजल्ट खराब होता चला जाता है। 4-5 साल तैयारी करने के बाद भी आप अभी और समय उस पर लगाना चाहते हैं, तो ये समझने वाली बात है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। होता क्या है कि जब बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करते हैं, तो उनके अंदर एक उत्साह होता है, एक उम्मीद होती है, और वो बेहद ज़ोर शोर से शुरू करते हैं। 1-2 एग्ज़ाम देने के बाद जब उनका नहीं निकल पाता, तब उन्हें थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, और फिर उनकी प्रिपरेशन पर इसका असर भी पड़ता है। क्योंकि वो 4-5 साल लगा चुके होते हैं, तो उन्हें लगता है कि इतना समय लगाने के बाद अब इस चीज़ को छोड़ना सही नहीं होगा, मुझे इसको करना ही है। लेकिन चूंकि तैयारी में कमी होती है या क्षमताएं अलग होती हैं, इस कारण वो जॉब निकल नहीं पाता, और आपके कुछ और साल उसमें बर्बाद हो जाते हैं। लास्ट में ऐसे बच्चे 30-35 की उम्र में आने के बाद प्राइवेट जॉब ढूंढते हैं, जबकि प्राइवेट जॉब की दुनिया भी बहुत तेज़ी से बदली है। आप जब प्राइवेट जॉब ढूंढने जाते हैं, तो आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपने प्राइवेट जॉब के लिए जरूरी स्किल को तो लिया ही नहीं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। मैं कुछ कड़वी बातें बोलूंगी। लोगों के दिमाग में ये भ्रम होता है कि गवर्नमेंट जॉब अगर मिल गई तो फिर जिंदगी बन जाएगी, पेमेंट तो है ही, साथ में ऊपर से भी कुछ पैसे आते हैं। क्या सचमुच आप करप्शन करना चाहते हैं? क्या इस करप्शन का हिस्सा बनने के लिए 10 साल बर्बाद किए जाए अपनी जिंदगी का? अगर आप पिछले 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं और आपका जॉब नहीं निकल रहा, तो आपको अब इसको इस बारे में गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि कहीं आप किसी गलत दिशा में कोशिश तो नहीं कर रहे। हो सकता है कि आज आप एक फैसला लें कि अब मैं इसकी तैयारी नहीं करूंगा, कोई प्राइवेट जॉब के लिए खुद को तैयार करूंगा, और आपके जिंदगी के आगे के कई साल फिर अच्छे हो जाएं। लेकिन लोगों को फेस नहीं कर पाने के शर्मिंदगी के कारण आप अगले 4-5 साल और इन्वेस्ट करते हैं, तो इसे क्या कहा जाए? इसे समझदारी कहेंगे या नादानी? आप इसे समझ सकते हैं। आप ईमानदारी से सोचें कि क्या किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए 5 साल काफ़ी नहीं है? लेकिन नहीं निकला। मैं ये नहीं कह रही कि आपके अंदर क्षमता नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कहीं ना कहीं आपने सही तैयारी नहीं की, सही दिशा में मेहनत नहीं किया। कुछ संभावना इसकी भी है कि आपकी क्षमताएं अलग हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए जिन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है, आपका दिमाग उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता और अच्छी तैयारी नहीं हो पाती। दोनों ही केसेस में आपका समय बर्बाद हो रहा है। जो बच्चे +2 में हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों को मेरी सलाह होगी कि वो पहले कोई प्राइवेट जॉब लें, पहले खुद को कहीं एंगेज करें, और उसके बाद तैयारी करें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे को जॉब कर रहे होते हैं, एंगेज होते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब भी निकाल लेते हैं। इसका लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। जब हमारे पास कोई भी चीज़ अधिक होती है, तो हम अक्सर उसे बहुत ही लापरवाही से यूज़ करते हैं और उसका बहुत बड़ा भाग बर्बाद कर देते हैं। जैसे अगर आपको 1 गिलास पूरा भरा हुआ पानी मिल जाए, तो उसको उठाने में आप कुछ पानी ज़रूर गिरा देंगे और तब आप पी पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जब पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाते हैं,
तो शुरुआती कुछ महीनों के बाद आपके पास, चूंकि आप कोई और काम कर नहीं रहे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, आप लापरवाह होने लगते हैं और आपका समय बर्बाद होने लगता है। आप फोन यूज कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन के नाम पर दूसरी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं और इस तरह से आपको पता भी नहीं चलता कि 5 मिनट 10 मिनट करके आपके 24 घंटे का कितना बड़ा भाग इसमें निकल जाता है और पढ़ाई नाम मात्र की हो पाती है और ये पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। जबकि जब आप जॉब कर रहे होते हैं तब आपके पास समय की कमी होती है और आपके अंदर अगर ये इच्छा होती है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालना है तो आप अगर 2 घंटे में बैठते हैं तो पूरे 2 घंटे में पढ़ाई करते हैं। जिस बच्चे के पास 12 घंटे हैं वो भी 2 घंटे पढ़ रहा है और जो जॉब कर रहा है वो भी 2 घंटे पढ़ रहा है। दोनों में अंतर ये होता है कि जॉब करने वाले बच्चे को अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाता तो भी वो प्राइवेट जॉब करने के लायक हो पाता है, उसके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है जिसके आधार पर उसे अच्छा काम मिल जाएगा। जबकि जिस बच्चे ने पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में अपना समय दिया है उसके पास कोई स्किल कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और उसको कोई दूसरी जॉब मिलनी मुश्किल हो जाती है। बच्चों की लाइफ में एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का काम करता है मोबाइल। अगर आप सच में जॉब करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ से मोबाइल को निकाल दें। आजकल तो बच्चों को एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। खुद को चेक कीजिएगा, क्या आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई ही करते हैं? आप कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं करते? क्या आपका टाइम मोबाइल पर सिर्फ पढ़ाई में ही जाता है? आपको पता भी नहीं चलता कि एक बार व्हाट्सएप को खोलने और बंद करने में, फेसबुक को खोलने और बंद करने में किस तरह से आपके 5-10 मिनट सिर्फ खोलने और बंद करने में चले जाते हैं। यूज करने के बाद कितना समय जाता होगा ये आप समझ सकते हैं। अगर आप सच में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले मोबाइल से दूरी बनाएं। बहुत सी किताबें हैं, किताबों में समय बिताएं, क्योंकि मोबाइल पे सारी जानकारियां एक्यूरेट नहीं है। किताबें पढ़ें, ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिलेगी और समय भी बचेगा, डिस्ट्रैक्शन कम होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये आपकी मर्जी, आप अपने जीवन के साल बर्बाद करते चले जाएं और अंत में गवर्नमेंट को, अपने परिवार को, अपने समाज को कोसते हुए पूरी ज़िंदगी गुजार दें। जबकि अगर आप चाहें तो अभी 1 घंटे बैठकर खुद को एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद फैसला लें कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या फिर प्राइवेट जॉब ट्राई करना चाहिए। अगर प्राइवेट जॉब करना है तो आप उसके लिए जरूरी स्किल सीखें, सर्टिफिकेट्स, उस तरह के सर्टिफिकेट गेन करने की कोशिश करें। और अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को, सारे डिस्ट्रक्शन को अपनी लाइफ से हटाएं, क्योंकि बिना डिस्ट्रक्शन को हटाए आप कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल पाएंगे। जिन लोगों को आप ऐसा करके निकालते हुए देखते हैं उन लोगों से अपनी तुलना नहीं करें। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की कैपेसिटी अलग होती है। किसी भी काम को सक्सेस करने के लिए 100% की जरूरत होती है और हो सकता है कि आप 99% दे रहे हो और सिर्फ 1% छूट जाता हो। एक बार अपनी पूरी एक्टिविटी को एनालाइज करें, अपने पूरे डेली रूटीन को एनालाइज करें, अपने सारे डिस्ट्रक्शन को एनालाइज करें, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। जहाँ तक प्राइवेट जॉब की बात है, आपके पास आज लाखों ऑप्शन है। आज के बच्चे टेक्नो फ्रेंडली हैं, उनके पास टेक्निकल नॉलेज है, चाहे उसका उन्होंने कोर्स किया हो या नहीं, आप इस नॉलेज को यूज कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब में आप लाखों कमा सकते हैं। अगर आप अच्छा कमाते हैं तो आप अपनी लाइफ को सिक्योर भी कर सकते हैं। ऐसे में सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी के आधार पर जॉब ढूंढने की कोशिश ना करें, अपने टैलेंट पे भरोसा करें, अपने टैलेंट को एनालाइज करें, उसे और शार्प बनाएं और बहुत ही आराम से पैसे कमा सकते हैं। अल्टीमेटली हर जॉब का उद्देश्य पैसे कमाना है और पैसे कमाने के लाखों रास्ते आज के समय में मौजूद हैं। बच्चे कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रही, जबकि कई प्रोफेशनल्स को मैं जानती हूँ जो अच्छा कैंडिडेट ढूंढते हैं और उन्हें अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलता। सोचने की ज़रूरत है, जॉब की कमी है या जॉब के लिए ज़रूरी स्किल की कमी है? एक बार अपनी सच्चाइयों का सामना करके आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो। आप कुछ भी जानना चाहें तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में पता चल सके। फिर आती हूँ कुछ नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए।